तो बजट सत्र का आगाज हो चुका है। 23 तारीख को आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री के तौर आप बता दें कि बजट पेश करेंगे और इस बजट को लेकर अलग अलग वर्गों की अगर बात की जाए उनको खासा उम्मीद है सरकार से। व्यापारी वर्ग क्या चाहता है इस बजट से आपको सुनाते हैं। हम खड़े इस समय बल्लभगढ़ के बाजार में और आप देख सकते हैं कि तमाम जो व्यापारी वर्ग है हरियाणा के बजट को लेकर आखिर क्या कुछ सोचता है ये हम उनसे आज जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हरियाणा का बजट आने वाला है और उसी के मद्देनज़र आज हम यहाँ बल्लभगढ़ के बाज़ार में पहुँचे। तमाम जो व्यापारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधान हैं प्रेम खट्टर बल्लभगढ़ बस अड्डा मार्केट के, उनसे हम जान लेते हैं। प्रधान जी, हरियाणा का बजट आने वाला है, क्या मानते हैं आप, किस तरीके का बजट होना चाहिए? नहीं, हमें इस बार पूरी उम्मीद है कि एक तो अलग से कोई नया टैक्स नहीं लगना चाहिए और पहले ही महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है, जगह आदमी रोजगार काफ़ी कम हुए हैं, तो हम चाहते हैं सरकार से जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उन पे कंट्रोल करा जाए। वो इतनी महंगी हैं, आम जो दुकान पे भी काम करने वाले हैं उनको भी अपना घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और एक गुजारिश हो रहा है जाके सरकार से कि नए टैक्स पे तो बिल्कुल ही मत लगाएं, क्योंकि इतने टैक्स बढ़ चुके हैं, आजकल छोटा दुकानदार दुकान चलाना भी बहुत भारी हो गया है, बहुत भारी हो गया। आप क्या मानते हैं किस तरीके का होना चाहिए? तो ये चाहते हैं सारे व्यापारी जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए, छोटे व्यापारियों पे दुकानदारों पे कोई टैक्स नया ना लगाए, उसमें सब आदमी खुशी रहते हैं। हम छोटे दुकानदार क्या करेंगे, और टैक्स लग गया तो किराया देना ही मुश्किल हो जाता है। और एक समस्या ये है कि बिजली के बिलों की, जिसका 1500-2000 का बिजली का बिल आ रहा है उसका 6000-7000 बिल भर, मतलब कहाँ से भरे, जाते हैं ऑफिस में जाते हैं वो तो कहते ही भरना पड़ेगा, ये तो ऊपर से आ रहा है, नहीं तो हमारा कनेक्शन काट देंगे। अब तो आदमी क्या तो क्या ना करे, कैसे करेगा 7000-8000 रुपये बिल कहाँ से भरेगा, ये सरकार सोचना चाहिए ना। तो बजट में सुधार होना चाहिए, बजट में सुधार तो सरकार करे ही करे, करना भी चाहिए। आम दुकानदारों के लिए बहुत फायदा है सरकार का, चाहिए हमें बस आशीर्वाद चाहिए दुकानदारों का। आप क्या मानते हैं? हम तो ये कहते हैं कि सरकार ने ना एक बिजली में एक नॉन एनर्जी चार्ज टैक्स लगाया हुआ है, सरकार को वो टैक्स कम करना चाहिए। और दूसरा ये है कि स्कूल हर साल फीस बहुत बढ़ा देते हैं, तो सरकार को एक कोई ना कोई डिसीजन ऐसा लेना चाहिए कि स्कूल वाले 3-4 साल 5 साल में एक बार फीस बढ़ाएं, और इससे और फीस कम करना चाहिए, अभिभावकों पर बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ रहा है इस चीज़ का। बस तो आप क्या मानते हैं भाई साहब? हम तो सर ये मानते हैं कि जैसे अब हम व्यापारी हैं तो हम व्यापारियों के हित में भी सोचेंगे और आम जनता के बारे में सोचेंगे। अब व्यापारियों के हम ये सोच रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, हमारे कपड़े हैं जूते हैं, उन पे टैक्स इतना बढ़ गया, जो ग्राहक जिस चीज़ों के रेट पहले दिया करता था आज वो रेट ही देता, पर पीछे टैक्स बढ़ने का चीज़ों के उत्पादों के रेट इतने बढ़ चुके हैं कि उसमें हम दुकानदारों का प्रॉफिट कम हो गया, सब चीज़ें से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो मैं सरकार से यही उम्मीद करता हूँ कि व्यापारियों के हित के बारे में भी सोचा जाए और जो भी हैं इन छोटी मोटी चीज़ों पर अपना टैक्स जो है वो कम किया जाए। तो कहीं ना कहीं व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखकर जो है बजट पेश किया जाना चाहिए ताकि सभी वर्गों को फायदा हो। फरीदाबाद से हरियाणा